सिर्फ 3 दिन ये दो चीजें रात भर पानी में भिगोकर सुबह दूध में उबालकर पी लो, पूरी जिंदगी आपको शुगर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, पेट के रोग, मोटापा, खून की कमी, अनिद्रा, आंखों की समस्या और ये दिल से जुड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमत्कारी नुस्खे को बनाकर दिखाएंगे। दोस्तों आपने करना क्या है, सिर्फ दो चीजें लेनी है और इनको रात भर पानी में भिगोकर आपने रख देना है और सुबह इनको दूध में उबालकर आपने पीना है। और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके शरीर की पूरी कमजोरी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी और आपके शरीर के अंदर सांड जैसी फौलादी ताकत आ जाएगी। दोस्तों आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और दोस्तों वैसे भी यदि हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति हाई होगी तब हम बहुत तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। दोस्तों यदि आपको डायबिटीज की बीमारी है दोस्तों तब भी ये नुस्खा आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस नुस्खे को आपने अपने घर पर बनाना कैसे, उसके बाद आपको बताएंगे इस नुस्खे के चमत्कारी फायदों के बारे में। दोस्तों इस नुस्खे की जो मुख्य सामग्री है, जो पहली मुख्य सामग्री है वो है दोस्तों अखरोट, वॉलनट। दोस्तों अखरोट को कौन नहीं जानता। दोस्तों अखरोट के फायदे बहुत सारे हैं, दिल से लेकर पेट तक की और दिमाग तक हर तरह की बीमारी का इलाज कर देता है दोस्तों अखरोट। इसको ब्रेन फूड के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पेट के लिए, शरीर के लिए, दिल के लिए अखरोट एक वरदान की तरह काम करता है और हमारे शरीर को बहुत तरह की बीमारियों से बचाने का काम करता है। दोस्तों आपने क्या करना है, 4 अखरोट की गिरी लेकर रात भर 1 गिलास पानी में भिगोकर रख देनी है, या 1 कटोरी पानी में भिगोकर रख देनी है। दूसरा जो इसमें मुख्य सामग्री है वो है दोस्तों किशमिश। और दोस्तों किशमिश के फायदे भी हम सभी जानते ही हैं। दोस्तों हमारे शरीर में सांड जैसी ताकत भरनी हो, हमारे शरीर के अंदर नई ऊर्जा का संचार करना हो, या शरीर में खून की कमी का इलाज करना हो, या हमें पेट के रोगों और इस ब्लड प्रेशर की बीमारी से बचाना हो, दोस्तों किशमिश एक वरदान की तरह काम करते हैं। दोस्तों आपने किशमिश के लिए क्या करना है, 4 से 5 किशमिश लेकर या 8 से 10 तक पी ले सकते हैं। 1 गिलास पानी में, 1 कटोरी पानी में भिगोकर रख देनी है। अब जानते हैं इस नुस्खे को बनाने की विधि। दोस्तों आपने क्या करना है, सुबह जब आप उठे तो इन अखरोट को पानी से निकाल लें और इन किशमिश को भी निकाल लें, और उसके बाद इन अखरोट को कोट लें और 1 गिलास दूध आग पर उबलने के लिए रखें और उसमें इनको डाल दें। आपने इसमें मिश्री डालना चाहे डाल सकते हैं, वैसे आपको मिश्री नहीं मिलानी है तभी बेहतर है, क्योंकि जो ये किशमिश है वो मिश्री का ही काम करेगी, यानी दोनों नेचुरल स्वीटनर का भी काम करेगी। और दोस्तों आपने इसका सेवन हर रोज सुबह बासी मुंह करना है। और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब आपको अपने शरीर में चमत्कारी बदलाव महसूस होगा। दोस्तों यदि इसका आप हर रोज सेवन करें तो आपको कभी भी पेट से जुड़ी कोई भी बीमारी नहीं होगी। दोस्तों आपको पेट में गैस, कब्ज और एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। हमारा पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारा पाचन तंत्र मजबूत होगा तब हम बहुत तरह की बीमारियों से बच जाएंगे। दोस्तों इस नुस्खे को लेने से हमारे शरीर के अंदर खून की कमी नहीं होगी, ये हमारे शरीर की खून की कमी का इलाज करेगा, खून की कमी को पूरा करने का काम करेगा। इसके साथ में हमारे खून को साफ करने का काम भी करेगा, जिससे हम बहुत तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। दोस्तों यदि आपकी आंखों की रोशनी कमजोर है और आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों तब भी ये नुस्खा आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेगा और आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाकर आपकी आंखों से इस चश्मे को उतार देगा। दोस्तों क्या आपको अनिद्रा की बीमारी है और आप इस अनिद्रा की बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि ये अनिद्रा की बीमारी हमारे शरीर की बहुत तरह की बीमारियों को जन्म देती है। दोस्तों तब भी आपको इस नुस्खे को हर रोज सुबह बासी मुंह सेवन करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तब आपको प्रॉपर नींद आएगी और आपकी अनिद्रा की बीमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। दोस्तों क्या आपको शुगर की बीमारी है और आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं और इसके कॉम्प्लिकेशन से बचे रहना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए। दोस्तों वैसे तो शुगर की बीमारी में इस किशमिश को लेने की सलाह नहीं दी जाती, लेकिन आप इस नुस्खे के साथ किशमिश का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको डायबिटीज की बीमारी है तब आप 1 से 2 किशमिश का ही प्रयोग करें, इससे अधिक आपको किशमिश का प्रयोग नहीं करना है। और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तो इस शुगर की बीमारी के कारण जो आपके शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है आप उससे हमेशा बचे रहेंगे, आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल होगा और आप इसके कॉम्प्लिकेशन से भी बच जाएंगे, बहुत हद तक बच जाएंगे।
दोस्तों क्या आपको अब ब्लड प्रेशर हाई रहता है या आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? तो दोस्तों इन दोनों समस्याओं में ये नुस्खा काम करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करेगा, आपके शरीर में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को सही करने का काम करेगा। और यदि आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होगी तब ना तो आपको हार्ट ब्लॉकेज होगी और ना ही हार्ट अटैक होगा। दोस्तों ये नुस्खा यानी कोलेस्ट्रॉल का इलाज करेगा, ब्लड प्रेशर का इलाज करेगा, हार्ट ब्लॉकेज का इलाज करेगा और हार्ट अटैक का भी इलाज करेगा। इसके साथ में आपके दिल को भी मजबूत करने का काम करेगा। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी आज से ही इस नुस्खे का प्रयोग शुरू कर दीजिए और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बना दीजिए। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।